Hello everyone, I am Narendra Singh. Today I shall take a new word which is called tabhi in Hindi. Dekhiye, ek word hai tabhi. Ye tabhi jo word hai, chahe Hindi ho, chahe English ho, dono hi language mein ye यूज किया जाता है और काफ़ी यूज किया जाता है, चाहे लिटरेचर हो चाहे स्पीकिंग हो। तो आप इसी को देख लें, यह तभी, एक तो यह समय के लिए यूज होता है, टाइम के लिए, और जब यह समय के संदर्भ में यूज किया जाता है तो उस समय इसका मतलब होता है उसी समय, जस्ट देन। और जब ये शर्त के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी कंडीशन के संदर्भ में इसको यूज किया जाता है, तब इसका मीनिंग होता है केवल तभी, ओनली देन। तो आज जो है इसी का यूज देखते हैं वन बाई वन। पहले हम टाइम के संदर्भ में देखेंगे, टाइम के लिए कैसे इसका यूज किया जाता है। जैसे तभी मैंने एक शेर देखा, तभी मैंने एक शेर देखा, ये टाइम के लिए यूज हुआ है, कब, तभी, उसी समय, जस्ट, कब देखा शेर, तभी, उसी समय, जस्ट देन। जस्ट देन आई सॉ ए लायन, तभी मैंने एक शेर देखा, जस्ट देन आई सॉ ए लायन, तभी देख, तभी वह मुस्कुराने लगी। कैसे भी आ सकता है, तभी वह मुस्कुराने लगी, ये वही लगा लगी लगे वाला आ गया, इसे तो आप जानते होंगे, ये मैं बता चुका हूँ। तभी वह मुस्कराने लगी, लेकिन यहाँ पर तो हमारा जो मेन एम है वो है तभी। तभी वह मुस्कराने लगी यानी उसी समय, जस्ट देन। जस्ट देन शी बिगेन टू स्माइल, जस्ट देन शी बिगेन टू स्माइल, और देखें तभी वे आदम का तभी वह आ धमका जस्ट देन
तभी वह आदम का जस्ट देन ही अराइव, आदम का मतलब तभी वह आ गया। तभी वह आदम का या तभी वह आ गया, जस्ट देन ही अराइव, मैंने उसे बुलाया। मैंने उसे बुलाया तभी वह मेरे पास आ गई। मैंने उसे बुलाया तभी वह मेरे पास आ गई। ये भी क्या है, समय के लिए इंगित कर रहा है सेंटेंस। मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हर, तभी वह मेरे पास आ गई, जस्ट देन शी केम टू मी, मैंने उसे बुलाया तभी वह मेरे पास आ गई, आई कॉल्ड हर जस्ट देन शी केम टू मी। तभी वह नाराज हो गई, तभी वह नाराज हो गई, ये भी समय के लिए है। जस्ट देन शी गॉट एंग्री, तभी वह नाराज हो गई, जस्ट देन शी गॉट एंग्री। तो आपने देखा है कि ये जो है तभी शब्द है, बहुत जो है बोला जाता है हिंदी में और ये इंग्लिश में भी बहुत यूज होता है, लेकिन हिंदी जो लैंग्वेज है वो तभी एक ही वर्ड से दो काम चला लेती है, लेकिन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इसको बिल्कुल क्लियर करना पड़ता है। अब इसी वर्ड के लिए हम शर्त यानी कंडीशन के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखते हैं कैसे इसका यूज होता है शर्त के लिए। कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत कीजिए, तभी तुम परीक्षा पास करोगे। कड़ी मेहनत कीजिए तभी तुम परीक्षा पास करोगे, ये क्या है, एक कंडीशन हो गई, कड़ी मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे और नहीं करोगे तो नहीं होगे। तो ये क्या है, एक कंडीशन है, एक शर्त है। तो क्या यूज होगा, ओनली देन, केवल तभी जब आप शर्त को पूरी करेंगे। कड़ी मेहनत कीजिए, वर्क हार्ड,
वर्क हार्ड ओनली देन ओनली देन यू विल पास द एग्जाम। कड़ी मेहनत कीजिए तभी तुम परीक्षा पास करोगे। वर्क हार्ड ओनली देन ओनली देन ओनली देन यू विल पास द एग्जामिनेशन। मेरे पास आओ तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास आओ तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास आओ, ये शर्त हो गई भाई। मेरे पास आओगे तो मदद करूंगा, नहीं आओगे तो नहीं करूंगा। मुझे क्या गर्ज पड़ी है? क्यों? मेरे पास आओ तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कम टू मी, मेरे पास आओ, कम टू मी, तभी यानी ओनली देन। शर्त के लिए क्या यूज करेंगे? ओनली देन, ओनली देन आई शैल हेल्प यू। मेरे पास आओ तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कम टू मी ओनली देन। शब्द के लिए क्या लगाएंगे? ओनली देन। आई शैल हेल्प यू। तभी तुम अपने जीवन में सफल होगे। तभी तुम अपने जीवन में सफल होगे। तभी तुम अपने जीवन में सफल होगे। ओनली देन ओनली देन यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तभी तुम अपने जीवन में सफल होगे। ओनली देन यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। और देखें, हथौड़े से चोट कीजिए, हथौड़े से चोट कीजिए, तभी आप इसे
तोड़ पाओगे। हथौड़े से चोट कीजिए तभी आप इसे तोड़ पाओगे। हथौड़े से चोट कीजिए हिट बाई हैमर। हिट बाई हैमर हथौड़े से चोट कीजिए तभी, कंडीशन है ओनली देन, ओनली देन यू विल बी एबल टू ब्रेक इट। हथौड़े से चोट कीजिए तभी आप इसे तोड़ पाओगे। हिट बाई हैमर ओनली देन यू विल बी एबल टू ब्रेक इट। तो आपने जो है ये देखा, ये वर्ड तभी, इसका कितना अच्छा यूज होता है, चाहे स्पीकिंग हो चाहे लिटरेचर हो। ये दो सेंस में इस्तेमाल होता है, टाइम के संदर्भ में और कंडीशन शर्त के संदर्भ में। आपने देखा। ओके, सी यू अगेन।